पानी अब उबल गया है, अब हम इसमें बेबी कॉर्न डालकर इसे 5 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। इसमें अब थोड़ा नमक डालेंगे। बेबी कॉर्न को 5 मिनट से ज़्यादा बॉईल नहीं करना है। जब तक बेबी कॉर्न बॉईल होता है, अब हम बैटर बना लेंगे। 3 चम्मच मैदा, 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, 1 चम्मच चावल का आटा, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार, लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट, सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी डालकर अब एक स्मूथ बैटर रेडी कर लेंगे। लम्स नहीं पड़ने चाहिए। बेबी कॉर्न अब बॉइल्ड हो गया, अब इसे हम बैटर में डाल लेंगे। अब बेबी कॉर्न को डीप फ्राई करेंगे। बेबी कॉर्न गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। बेबी कॉर्न अब अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसे निकाल कर प्लेटिंग कर लेते हैं।